दोस्तों स्वागत है आप सबका। सफर को जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं झिरकोटी। झिरकोटी जो पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। आज की वीडियो में आप सबको झिरकोटी से कर्णप्रयाग के बीच में जो नेशनल हाईवे है उसकी झलक देखने को मिलेगी। 8 किलोमीटर की दूरी है अप्रॉक्स, और 19 से 20 मिनट का समय लग जाता है पहुँचने में। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं दोस्तों उत्तराखंड की, तो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। और मेरे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में गौचर तक की झलक दिखा दी थी ना, तो जब हम गौचर से आगे बढ़ते हैं, बंदेलखंड से भी आगे, तो ये वाली जगह पड़ती है झिरकोटी। पेट्रोल पम्प है यहाँ पर, आपको ये वाली जगह देखने को मिल जाएगी जब आप लोग यात्रा करेंगे। हम जा रहे हैं कर्णप्रयाग की तरफ। तो ये जो नेशनल हाईवे है, ये आपका अलकनंदा नदी के किनारे आगे की तरफ बढ़ता है, और खूबसूरत घाटी है ये पूरी, बद्रीनाथ घाटी है। और अगर हम बात करें यहाँ के नियर बाई विलेजेस की, तो नदी पार वाले जो एरिया है वहाँ पे आपका बमोत हो गया, बोलनाओ, बुस्केश्वर, चंदोली, चमसिल, सरमोला, बमखाल, ये आपके नदी पार वाले जो खूबसूरत विलेजेस हैं उनके बारे में बताया मैंने। और अगर हम करें नदी के इस पार वाले जिस पे हम अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इसके आसपास पड़ते हैं आपका सिंद्र पानी लगा, सिरण दुआ, बुलागांव, यहाँ पर दक्षिण काली माता मंदिर भी है नेशनल हाईवे पे, और रघुनाथ मंदिर भी है, प्राचीन पौराणिक मंदिर है। तो इन्हीं विलेजेस के नीचे से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग आगे की तरफ बढ़ रहा है, हम उसी रूट से होते हुए जा रहे हैं। ये आपको जनवरी 2021 का करंट सिनारियो दिखा रहा हूँ मैं इस वाले रूट का। यही इसी वाले रूट पे आगे की तरफ आपका गलनाव गांव आता है, और ऊपर की तरफ सिरण गांव आता है, झिरकोटी को क्रॉस करने के बाद कर्णप्रयाग से पहले पहले। चमोली डिस्ट्रिक्ट बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक सवाल आप लोगों का मेरे को बहुत ज़्यादा आया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। ट्रैवलिंग करते रहता हूँ मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पर मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल का। कर्णप्रयाग से थोड़ा पहले आपको बहुत ही सिनेरिक व्यू देखने को मिलेगा, खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि अलकनंदा नदी बहती है ना, तो वहाँ पे एकदम से रोड के किनारे पे ही, ज़्यादा हाइट पे नहीं, रोड के किनारे पे ही खड़ी पैनी चट्टाने हैं दोस्तों। और वो चट्टाने इतनी खूबसूरत लगती है ना जब आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे। अभी मैं आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर रुक के, अगर आप लोगों को फोटो फोटो वीडियो बनाने का शौक है, तो आप लोग यहाँ पर रुक के नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, ठंडी हवाएं चलते रहती हैं। और मैं आपको कैसे बताऊं वीडियो में, मैं तो रुकता ही रहता हूँ जब मैं यहाँ से सफ़र करता रहता हूँ सफ़र के दौरान, पर आप लोगों को एक मौका मिलेगा तो ज़रूर रुकिएगा इस वाली जगह पर, बहुत ही खूबसूरत जगह है उसमें। अब मैं आप ना, मैं बहुत जल्दी वहाँ का टूर भी मानने वाला हूँ दोस्तों, आदि बद्री का ना, तो वो इस वाली साइड पड़ता है। ये आपका नंदा देवी राजात वाला घाटी है ना, जो पिंडर घाटी, इस वाले साइड पड़ता है। तो मैं बहुत जल्द आदि बद्री की वीडियो भी लेके आऊँगा आप सबके लिए, बहुत जल्द मैं टूर मारने वाला हूँ आदि बद्री साइड तक। वो भी एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉटों में से एक है, बहुत ही प्राचीन पौराणिक मंदिर है वहाँ पर, तो बहुत जल्द आपको वहाँ की वीडियो भी देखने को मिलेगी दोस्तों। अब बात करते हैं कर्णप्रयाग के बारे में। कर्णप्रयाग एक खूबसूरत पड़ाव है, खूबसूरत शहर है, जो पड़ता है बद्रीनाथ धाम जाने से पहले पहले, नंदा देवी राजात यात्रा करने से पहले पहले आपको देखने को मिलेगी ये जगह। ये पड़ती है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, पंचप्रयाग में से एक है, और यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल है, बहुत ही पवित्र जगह है। यह जगह 4760 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप लोग कर्णप्रयाग आते हैं तो आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं यहाँ पर उमा देवी का प्राचीन पौराणिक मंदिर है, आप लोग कर्ण मंदिर जा सकते हैं, और यहाँ पर संगम स्थल में भी जा सकते हैं, नीचे पर पार्क बनाया गया अच्छा खासा, आप लोग वहाँ पर भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कर्णप्रयाग का पिन कोड है 2464-44। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी है, पोखाल रोड देवतली के पास, आपका स्कूल हो गए, सारी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल हो गए, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी कर्णप्रयाग में। ये एक बहुत ही बड़ा शहर है और मुख्य पड़ाव में से एक है, यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेगा। बस स्टेशन भी है यहाँ पर, और सोमो स्टैंड भी है, जो आपके नियर बाई विलेजेस के लिए चलते रहते हैं रूटीन पे, अपने गाड़ियाँ वहाँ के लिए लगी रहती हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे, अगर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँ कर्णप्रयाग के नियर बाई विलेजेस की, तो यहाँ ऊपर की तरफ आपका सैणी हो गया, सैम हो गया, मैदाना, चौंदली, चौंदाली, स्लिपनी, सिलंगी, आगे की तरफ कालेश्वर लंगासू वाला साइड हो गया, इधर से आपका
नारायण बगड़ हो गया आपका, ये वाली घाटी हो गई आपकी जो। तो दोस्तों हम कर्णप्रयाग पहुंचने वाले हैं। कर्णप्रयाग से पहले वाला एरिया है, यहाँ पर बाईपास है एक तरीके से। तीन रोड डाइवर्ट होती है, एक तो जाती है कर्णप्रयाग जो बद्रीनाथ वाले ब्रिज से होते हुए आगे बद्रीनाथ साइड के लिए, एक जो ये ऊपर वाला जा रहा है ना जो ये बाईपास से जाता है सबसे ऊपर ही ऊपर, इसका सीधे उधर आगे नंदा घाटी के लिए नारायणबगड़ साइड के लिए बाईपास बना रखा है ऊपर ऊपर, ताकि बाजार में आपका ट्रैफिक की स्थिति ना देखनी पड़े। आजकल आपको ना भी वीडियो में जो आप देख रहे हैं रोडें खाली खाली दिख रही है, क्योंकि यात्रा नहीं हो रही। जब यात्रा होती है ना दोस्तों तो यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम लगता है ना, आपको इतने ज़्यादा व्हीकल देखने को मिलेंगे क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं उस टाइम पे। अभी यात्रा नहीं हो रही है इसलिए आपको रोड थोड़ा खाली खाली भी लग रही होगी जब मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ नेशनल हाईवे की। तो ये जो तीसरा रास्ता है ये भी बाजार से होते हुए जाता है, रास्ते को डाइवर्ट किया गया है ताकि आपको जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।